यार कोइचिरो इटो को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। और जिन्हें नहीं पता है कि इटो कौन है, तो यार इन्होंने योर नेम, सुजुमी, वेदरिंग विथ यू जैसे लाजवाब एनिमेस को प्रोड्यूस किया है। वेडनेसडे को टोक्यो में वाकायामा प्रोफेशनल पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। एंड जैपनीज लोकल न्यूज़पेपर मानाची सिबुन ने इनके अरेस्ट के नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे को अपने आर्टिकल में ये कहा है कि इनके ऊपर चार्जेज है कि इटो सोशल मीडिया पर एक अंडर एज 15 ईयर ओल्ड गर्ल से मिले और इटो ने उससे मांगे हैं। और यार ये केस 2023 या फिर 2024 का नहीं बल्कि सितंबर 2021 का है। एंड इटो को वेडनेसडे 2024 को कस्टडी में लिया गया है। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि अच्छा ये केस तो 2021 का है, तो अब पुलिस ने इटो को क्यों अरेस्ट किया है? तो यार पुलिस इटो से अनरिलेटेड एक चाइल्ड केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसके दौरान इटो का ये पेडोफिलिक एसोसिएशन सामने आया है। और पेडोफिलिक एसोसिएशन का मीनिंग सामने आ रहा होगा, तुम पॉज करके रीड कर लो, क्योंकि यार वैसे भी ये सारे वर्ड्स बीप करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब इस वीडियो को डिमोनेटाइज कर देगा। और बस यही नहीं, टोक्यो ब्रॉडकास्टर टीवीएस का कहना है कि इटो ने पिक्चर्स के एक्सचेंज में 12,500 येन मतलब लगभग 6,500 रुपए उस लड़की को दिए हैं और ये जापान चाइल्ड ग्राफी प्रोहिबिशन एक्ट के अगेंस्ट है। इस एक्ट के हिसाब से जापान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सेल और डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल है। इसकी मैक्सिमम पेनल्टी 5 ईयर प्रिजन और 50,00,000 येन लगभग 28,00,000 रुपए तक फाइन हो सकता है। और यार जैसे ही ये न्यूज पूरे एनिमे कम्युनिटी में धीमे धीमे फैलने लगी, सच में पूरी एनिमे इंडस्ट्री एंड फैन बेस कम्युनिटी सब एकदम शॉक हो गए। और यार ऐसा नहीं है कि ये बस चार्जेज हैं। जापान पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK का कहना है कि इटो ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने अगेंस्ट सारे चार्जेस को एडमिट भी किया है। और यार इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है कि इटो ने अंडर एज गर्ल्स से इमेजेस सेंड करने को फोर्स किया है। और अब पुलिस बाकी पोटेंशियल विक्टिम्स के बारे में भी पता लगा रही है। एंड यार सबसे इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अब तक जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, इनमें से एक भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। ये सारे आर्टिकल्स हिंदुस्तान टाइम, दी हिंदू जैसे वेल नोन ई पेपर में ऑफिशियली पब्लिश्ड आर्टिकल हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम सब वहां पर भी चेक कर सकते हो। और यार जैसा कि ऑब्वियस है, इस न्यूज ने एनिमे फैंस को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। और अब इस केस से रिलेटेड एनिमे फैंस के डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़ा है, जिसमें से एक फैन का कहना है कि इटो ने योर नेम, वेदरिंग विथ यू, सुजुमी जैसे लाजवाब एनिमेस को प्रोड्यूस किया है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये केस ये सारी मूवीज के लेगेसी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। दूसरे फैन का कहना है कि अब मैं किसी भी सेलिब्रिटी को आइडलाइज नहीं करने वाला, ऐसा कई बार हुआ है कि सेलिब्रिटी ने ऐसे केसेस में आकर फैंस को बहुत ज्यादा हर्ट किया है और हम होप कर सकते हैं कि ये न्यूज एनिमे इंडस्ट्री पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। बाकी फैंस का भी कुछ ऐसा ही कहना है, सभी फैंस इससे डिसअपॉइंटेड है, बट हाँ सब होप कर रहे हैं कि एनिमेस पर इस केस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि यार ये केस पूरे वर्ल्ड वाइड कवर हो रहा है, क्योंकि इटो ने जो भी एनिमेस प्रोड्यूस किया है, यार सच में ये सारे एनिमेस वर्ल्ड वाइड हिट हुए हैं, जिससे जाहिर सी बात है पूरी एनिमेस कम्युनिटी की इस न्यूज पर नजर है। बाकी यार इस केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी कवर करूं। सो यार अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बाकी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस से एनिमे कम्युनिटी एंड एनिमे इंडस्ट्री पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। एंड यार ये वीडियो किसी के अगेंस्ट हेट और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए नहीं है। सो यार नो हेट्रेड। बाकी टिल देन एंजॉय योर एनिमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।